हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी खास वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आंखों से चश्मा कैसे हटाना है। दोस्तों, अगर आप भी चश्मा यूज कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा, ऐसी होम रेमेडी बताऊंगा जो आपकी आंखों की रोशनी को तेज करेगी और यदि आप चश्मा लगाते हैं तो आपको उस चश्मे से छुटकारा दिलाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी आंखों की रोशनी किस तरह बढ़ा सकते हैं और आप अपने चश्मे को अलविदा कह सकते हैं। दोस्तों, हमारी आंखें सही सलामत हैं तो हमारी जिंदगी में रोशनी है। अगर हमारी आंखें रोशन नहीं है तो हमारी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है और सब बेकार है। तो दोस्तों, आज हम आपको वो टिप्स बताते हैं जिसके जरिए आप चश्मे को अलविदा कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस नुस्खे को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल के रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले पा सकें और फायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आप इस उपाय को अपनाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होगी वो है आलमंड यानी बादाम। दूसरा इंग्रेडिएंट है सौंफ। ये सब चीजें आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। और दोस्तों, तीसरा इंग्रेडिएंट है मिश्री। तो दोस्तों, जैसा कि आप तीनों चीजों को टेबल पर देख रहे हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन्हें किस तरह से यूटिलाइज करना है, यानी इनको किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए और चश्मे को बाय बाय कहने के लिए। तो दोस्तों, इसको अब बनाना कैसे है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको लेना है एक आलमंड। जी हाँ दोस्तों, एक आलमंड लेना है आपको। इसके बाद आपको जितना आलमंड है इससे डबल मात्रा में आपको सौंफ लेनी है। आलमंड से डबल मात्रा में आपको सौंफ लेनी है। उसके बाद इतनी ही मात्रा में, जितनी मात्रा हमने सौंफ ली है यानी डबल मात्रा में हमें मिश्री लेनी है। ये देखिए दोस्त, आलमंड से डबल मात्रा में हमें मिश्री लेनी है और इसको हमें इसमें ऐड कर लेना है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, इसको आप सोने से पहले, जी हाँ दोस्तों, इसको आप सोने से पहले मुंह में रखेंगे और इसको चबाएंगे और ऊपर से एक गिलास दूध पी जाएंगे। दोस्तों, ये नुस्खा आपको सोने से पहले इस्तेमाल करना है, यानी आप रात को जब दूध पीते हैं तो दूध पीने से पहले आप इसे चबाएंगे और उसके बाद ऊपर से एक गिलास दूध पी लेंगे। दोस्तों, यदि आप इसे चबाकर नहीं खा सकते तो आप इसको बारीक पीस लें और उस दूध में इसको मिला लें और उसके बाद इसको पी जाएं। दोस्तों, इस नुस्खे का उपयोग आपको डेली करना है, तब तक करना है जब तक कि आपकी आंखों की रोशनी तेज ना हो जाए। दोस्तों, 10 से 15 दिन में ही अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपकी आंखों का चश्मा भी कम नंबर का हो जाएगा, यानी आपको अपनी आंखों में फर्क दिखने लगेगा और आपकी आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी। दोस्तों, बहुत ही प्राचीन नुस्खा है, आप प्लीज इसको एक बार जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों, आपको इसे डेली इस्तेमाल करना है, यानी इसको डेली आपको यूज करना है और सोने से पहले करना है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपकी आंखों से चश्मा हटे और आपकी आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें दिखें। आप इसे एक बार प्लीज जरूर ट्राई करें और अपनी आंखों की रोशनी में फर्क महसूस करें। और जब तक आपकी आंखों की रोशनी तेज ना हो जाए तब तक आपको इसको इस्तेमाल करना है, यानी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यह आपको 100% फायदा देने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेमेडी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसके बारे में कोई राय या सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल के रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले पा सकें और फायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आप इस उपाय को अपनाइए और अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाइए और चश्मा हटाइए। और हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।